चलिए बाबा आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26 हमने अपनी पिछली रिविजनरी में कवर कर लिया था। आज हम रिवीजन करने वाले हैं सेक्शन नंबर 27। मैं आपको एक क्विक ग्लिम्स दे देता हूं। हमने जब रिवीजन स्टार्ट किया था तो रिवीजन किया था सेक्शन नंबर 22 का रजिस्ट्रेशन में। सेक्शन नंबर 22 बोलता है पीपल हु आर लायबल। सेक्शन नंबर 23 बोलता है पीपल हु आर नॉट लायबल। सेक्शन नंबर 24 बोलता है पीपल हु आर रिक्वायर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 22 और 24 में अगर आप लायबल हो तो सेक्शन नंबर 25 बोलता है प्रोसीजर्स फॉलो कीजिए और रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। सेक्शन नंबर 26 बोलता है डीम रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब सुनिए, अब आ रहा है सेक्शन नंबर 27 जो बोलता है सीटीपी एंड एनआरटीपी के बारे में। 28 बोलता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। 29 बोलेगा कैंसिलेशन के बारे में एंड 30 बोलेगा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 क्या बोलता है सर? सेक्शन नंबर 27 बात करता है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सीटीपी एंड एनआरटीपी के बारे में। सर सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में क्या बोला है? ये बोलता है कि जब भी एक सीटीपी और एनआरटीपी अपना बिजनेस कमेंस करने वाला है उसके 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सर अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करेगा तो वो अप्लाई करेगा इन जीएसटी आरईजी 01। अगर एक एनआरटीपी अप्लाई करता है तो वो अप्लाई करता है इन जीएसटी आरईजी 09 और उसके साथ देता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट। ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसका जो एक इंडियन रेजिडेंट होता है हु हैज ए वैलिड पैन नंबर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा जब भी एक सीटीपी और एनआरटीपी ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन लेता है तो सर उसको अपना नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करना होता है। और जैसे ही वो एडवांस में टैक्स लायबिलिटी पे करता है याद रखिएगा वो उसके ई कैश लेजर में चला जाता है। ठीक है सर, तो एप्लीकेशन जब भर रहा है तो टैक्स लायबिलिटी एडवांस में देगा, नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में देगा और वो उसके ई कैश लेजर में डाल दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। याद रखिएगा एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया उसी के बाद ही उसको कमेंस करना है अपना बिजनेस, मतलब बेसिकली उसको अपना टैक्सेबल सप्लाई तभी करना है जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बार उसने बिजनेस कमेंस कर दिया तो सर रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के लिए मिलता है? आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा जितने दिनों के लिए मांगोगे उतने दिनों के लिए मिलेगा। सर मैंने मांगा है 15 दिनों के लिए, मिलेगा 15 दिन और 90 days whichever is earlier। सर मैंने मांगा है 30 days तो 30 days और 90 days whichever is earlier, मतलब मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो होता है 90 days का। ठीक है सर, 90 days का रजिस्ट्रेशन मिल गया, मैंने अप्लाई किया, एडवांस में टैक्स दिया, वेरिफिकेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा मैक्सिमम 90 days, मतलब जितना दिन के लिए मांगोगे और 90 days whichever is earlier। सर ठीक है, अब मेरा टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, मैंने सिर्फ समझ लीजिए मैक्सिमम 90 days के लिए मांग लिया था, अब पीरियड एक्सपायर होने वाला है। याद रखिए जैसे ही आपका पीरियड एक्सपायर होने वाला है उसके पहले आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना है। एक्सटेंशन बिफोर द ओरिजिनल एक्सपायर्स रूल नंबर 15 अप्लाई होता है जो बोलता है बेटा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए पहले तो आप जीएसटी आरईजी 11 भरिए, एडिशनल नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड पे कीजिए, उसके बाद आपको एक्सटेंशन ग्रांट किया जाएगा। याद रखिएगा 15 दिन के लिए लिया, फिर 20 दिन के लिए लिया, फिर 30 दिन के लिए लिया, मैक्सिमम याद रखिएगा 90 plus 90 180 days के लिए आप एक स्टेट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एक कंट्री में बेसिकली एनआरटीपी रह सकते हो। सर समझ लीजिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलता है कि सर मेरे को एक्सटेंशन चाहिए बियॉन्ड 180 days, तो बेटा एक सर्कुलर आया हुआ है, सर्कुलर बोलता है गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि बियॉन्ड 180 डेज पॉसिबल नहीं है। बियॉन्ड 180 डेज अगर आपको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है, बेसिकली अगर आपको बियॉन्ड 180 डेज के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है तो सर उस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह मोर देन 180 डेज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप एक काम कीजिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, कोई एडवांस टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जब स्टेट छोड़ के जा रहे हो बेटा रजिस्ट्रेशन सरेंडर करो और भाग जाओ। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 28 किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 28 बात करता है अमेंडमेंट के बारे में। सर अमेंडमेंट क्या होता है? आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया फिर आपको लगा कि कुछ चेंज वगैरह करवाना है, तो कुछ चेंजेस अगर कराना है तो सर उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट।
अब सर अमेंडमेंट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कि सर आपका पैन चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, मतलब प्रोप्राइटरशिप बिकम बन गया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बन गया एलएलपी, एलएलपी बन गया कंपनी, समझ लीजिए। तो इस केस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया है। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का केस में पैन चेंज हो जाता है। सर पैन चेंज हो गया तो पुराने रजिस्ट्रेशन का पैन हटा के नया पैन डाल दीजिए। बाबा पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको नया रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अप्लाई कीजिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए इन GST REG 01। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब जो बाकी अमेंडमेंट है, एक होता है अमेंडमेंट कोर फील्ड का अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट फील्ड का अमेंडमेंट, एक होता है नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट। नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट मतलब ऑफिसर को कोई चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा इसमें, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एनी अदर फील्ड अदर देन कोर फील्ड, उसको हम बोलते हैं नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट। जस्ट आपको ऑनलाइन जाना है, REG 14 में एप्लीकेशन डालना है, सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन को और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर कोर फील्ड अमेंडमेंट की बात करें, कोर फील्ड अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ योर बिजनेस आर चेंजिंग, उस सिनेरियो में सर क्या किया जाए। अगर कोर फील्ड का अमेंडमेंट है, मतलब तीन चीजों को बोलते हैं कोर फील्ड का अमेंडमेंट। नंबर वन, लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस इज चेंजिंग, आपका बिजनेस का नाम ही आप बदल रहे हो। सेकेंडली, आपका जो एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको आप बदल रहे हो। या फिर सर एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर डायरेक्टर कर्ता मैनेजिंग कमिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी CEO जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर योर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, और जिन लोगों के जाने के कारण बेसिकली कैंसिलेशन करवाने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो बेटा अमेंडमेंट करवा लेना। ऑफिसर गवर्नमेंट ने बोला यहां पे, जैसे ही एक चेंज होता है, समझ लीजिए आपका पार्टनर चला गया, नया पार्टनर आ गया है, अब आपको रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना है। सर जैसे ही चेंज हुआ उसके 15 दिन में आपको एप्लीकेशन डाल देना है। एप्लीकेशन डालोगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में चिपका देना है। सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन डाला, ऑफिसर करेगा वेरिफिकेशन। अगर ऑफिसर को सब कुछ सही लगा कि सर अमेंडमेंट वारंटेड है, डॉक्यूमेंट सही है, कंप्लीट है, तो ऑफिसर क्या करेगा, 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको एक ऑर्डर इश्यू करेगा GST REG 15 और अमेंडमेंट दे देगा। सर ऑफिसर को लगा कि आपने जो एप्लीकेशन दिया, डॉक्यूमेंट चिपका है, वो सही नहीं है, उसे लग रहा है जो अमेंडमेंट है वो जरूरत नहीं है अमेंडमेंट की, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, तो वो आपको देगा एक शो कॉज नोटिस विद इन 15 वर्किंग डेज। देखिए 15 वर्किंग डेज में या तो अप्रूव करेगा या 15 वर्किंग डेज में आपको एक शो कॉज नोटिस देगा। आप एक काम कीजिए, उसका 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई कर दीजिए। आपने रिप्लाई कर दिया कि सर क्यों मेरा अमेंडमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने रिप्लाई किया GST REG 04 में, ऑफिसर को लगा रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, तो विद इन 7 वर्किंग डेज वो अप्रूव कर देगा अमेंडमेंट को और एक ऑर्डर दे देगा इन GST REG 15। ठीक है सर, अगर ऑफिसर को सही नहीं लगा या आपने बेटा नालायक बन के कोई रिप्लाई नहीं किया, तो ऑफिसर 7 वर्किंग डेज में रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन और ऑर्डर दे देगा इन GST REG 05। याद रखिएगा अमेंडमेंट तीन तरह का होता है, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर, एक होता है पैन चेंज। कोर फील्ड PO का अप्रूवल लेना पड़ेगा, नॉन कोर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा अमेंडमेंट है, ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, अमेंडमेंट हो जाएगा। सर पैन चेंज, बेटा अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले लो। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 29। जब आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 29 का नाम है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन की बात हम रूल नंबर 21A में करेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सेक्शन नंबर 29 इज टू बी रेड, इसको आपको पढ़ना पड़ता है अलॉन्ग विथ रूल नंबर 20, 21। इधर लिखिएगा 21A, 22 एंड रूल नंबर 44। चलिए बाबा शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 29। सुन लीजिए सेक्शन नंबर 29, जब आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 29(1) आएगा, सेक्शन नंबर 29(2, 3, 4 एंड 5, पांच सब सेक्शन आएंगे सेक्शन नंबर 29 में। सेक्शन नंबर 29(1) बोलता है कब प्रॉपर ऑफिसर या बाबा रजिस्टर्ड पर्सन या लीगल हायर रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 29(2) बोलता है कब आएगा ऑफिसर को गुस्सा और आपका ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देगा, वो सिचुएशन सेक्शन नंबर 29(2) में बोले हुए हैं। अब
जब भी आपका सेक्शन नंबर 292 या 291 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो बेटा लायबिलिटी तो पे कर देना, वही बोला गया है सेक्शन नंबर 293 में। सेक्शन नंबर 294 बोलता है कि सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एसजीएसटी एक्ट में, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन माना जाएगा अंडर सीजीएसटी एक्ट भी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 295, एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो सर कितना देना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो सब बताया है सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 5 में। मतलब इनपुट और स्टॉक, इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स में कितना पे करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स पे कितना पे करना पड़ेगा, वो सेक्शन नंबर 29(5) बात करता है। चलिए बाबा समझते हैं सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29(1) बोलता है प्रॉपर ऑफिसर कब कब आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है, या आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो या लीगल हायर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। समझ लीजिए एक बंदा चला गया तो लीगल हायर अप्लाई कर सकते हैं। कब सर? अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, या आपने ट्रांसफर कर दिया बिजनेस को ड्यू टू द डेथ, या सर आपने डिस्पोज कर दिया है बिजनेस को, डिस्पोज्ड ऑफ, या सर डीमर्जर हो गया है, अमालगेमेशन हो गया है, तो सर इस केस में क्या बोल रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। सर दो बिजनेस थे जुड़ गए तो पुराने बिजनेस कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया है, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बन गया, बेटा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। उसके बाद आया टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल अंडर 22 और 24। सेक्शन नंबर 22 बोलता है पर्सन हु इज लायबल, 24 बोलता है पर्सन हु इज नॉट लायबल। सर सॉरी, सेक्शन नंबर 22 बोलता है पीपल हु आर पर्सन हु आर लायबल, 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब बेटा आपने लास्ट ईयर इंटरस्टेट अप्लाई किया था, लास्ट ईयर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लिया था, इस साल आप बोल रहे हो सर मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इंटरस्टेट अप्लाई करूंगा ही नहीं। तो सर आपने बोला मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देता हूं, या फिर आपने नालायक बन के वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, अब बोल रहे हो वैलिड रिटर्न नहीं बाबा, वैलिड रिटर्न नहीं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वीआर मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, अब बोल रहे हो गलती हो गई सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। तो बेटा सेक्शन नंबर 29(1) बोलता है आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डन। सेक्शन नंबर 29(2) बोलता है कब का प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। पॉइंट नंबर ए बोलता है जब आपने किया है सच कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स। सर सच कॉन्ट्रावेंशन मतलब सभी कॉन्ट्रावेंशन के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता, कुछ कुछ कॉन्ट्रावेंशन के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। वो कुछ कुछ कॉन्ट्रावेंशन जो है वो बहुत ही बेकार काम अगर आपने किया है तो ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, और वो बेकार काम बताए गए हैं, मतलब वो कॉन्ट्रावेंशन बताए गए हैं रूल नंबर 21 में। ऑफिसर ने बोला है अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया कहीं और से, बिजनेस कर रहे हो कहीं और से, रजिस्ट्रेशन कर देगा कैंसिल, नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। नंबर 2, आपने इशू किया इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ एक्ट और रूल्स। मतलब आपने कर दिया इनवॉइस सप्लाई, बोगस इनवॉइस दे दिया किसी को क्रेडिट लेने के लिए, बेटा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस विदाउट violating the provision of act or rules, ठीक है सर। उसके बाद आपने violate किया section number 171 का provision, profit ring कर दी, बेटा अगर आपने किया है profit ring तो आपका registration cancel कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने किया है violation of rule number 10A, bank account detail furnish करना था within due date of monthly return or 45 days whichever is earlier, नहीं डाला bank account detail तो registration कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है अगर आपने अवेल किया आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 16 और रूल्स मेड देयर अंडर। सेक्शन नंबर 16 फॉर एन एग्जांपल बोलता है इनवॉइस है तो ही क्रेडिट लेना, आपने बिना इनवॉइस ही क्रेडिट ले लिया तो बेटा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है आपने जब GSTR1 सबमिट किया, GSTR1 में दिखाया 1 करोड़ का सेल, 10 लाख रुपए का क्रेडिट, ताकि सामने वालों को क्रेडिट मिल जाए GSTR 2A 2B में, और जब आपने GSTR 3B फाइल किया तो 1 करोड़ की जगह सिर्फ 1 लाख का सेल दिखा दिया, नालायक बन गए हो आप, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 29(2) बोलता है आपने फर्निश किया डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और वो ज्यादा था GSTR 3B जो वैलिड रिटर्न VR मतलब वैलिड रिटर्न में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर किया था उससे GSTR 1 में अगर सप्लाई ज्यादा डिक्लेयर कर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
कैंसिल कर सकता है। देन सर अगर आपने वायलेट किया प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 86B तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। सर रूल नंबर 86B क्या बोलता है? रूल नंबर 86B बोलता है कि बेटा 1% तो एटलीस्ट ई कैश से पे करना, मतलब जो भी आपका लायबिलिटी है उसका एटलीस्ट 1% आपको ई कैश लेजर से पे करना पड़ता है। वो रूल नंबर 86B पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने रूल नंबर 86B का वायलेशन किया है तो बेटा ऑफिसर चाहे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। देन सर पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 292A बोला कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किया है सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सच प्रोविजन हमने पढ़ा रूल नंबर 21 में। सेक्शन नंबर 292 क्लॉज बी बोलता है सर अगर आप हो एक कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और तीन कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं किए, तीन कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप हो एक पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन नॉर्मल पर्सन, 6 महीने से जीएसटी का रिटर्न नहीं लगाया, बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आप थे वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन, आपने बोला सर मेरे को रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, ऑफिसर ने बोला ले लीजिए वॉलेंट्रीली, आप लायबल नहीं हो फिर भी आप ले लीजिए आपको चाहिए तो। सेक्शन नंबर 25(3) में आपने वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन सर 6 महीने हो गए ऑफिसर देख रहा है नील रिटर्न लगा रहे हो, बिजनेस ही कमेंस नहीं किया 6 महीने से, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल ऑफिसर कर सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट तो भी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। सेक्शन नंबर 29(1) एंड सेक्शन नंबर 29(2) में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सेक्शन नंबर 29(3) बोलता है बेटा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट टू इफेक्ट द लायबिलिटी टू पे टैक्स, टैक्स एंड ड्यूज, ड्यूज मतलब IPL इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी। तो सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया इसका मतलब ये नहीं है जीएसटी कलेक्ट किया था 5 करोड़ का घर में लेके बैठ गए, नहीं बाबा देना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं वेदर और नॉट डिटरमाइंड बिफोर और आफ्टर कैंसिलेशन, हो सकता है कि ऑफिसर ने पकड़ लिया आपको बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो भी देना पड़ेगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके 5 साल बाद ऑफिसर को मालूम चला तो भी देना पड़ेगा। डन सर पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 29(4) बोलता है अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई अंडर SGST एक्ट, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा अंडर CGST एक्ट भी। सेक्शन नंबर 29(5) बोलता है रेड विथ रूल नंबर 44 कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया तो नॉर्मल जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह था वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो स्टॉक और कैपिटल गुड्स घर लेके जा रहे हो उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास था इनपुट इन योर स्टॉक, इनपुट इन योर सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन योर फिनिश गुड्स, तो उस पे जो भी ITC लिया था ऑन द बेस ऑफ इनवॉइस चेक कीजिए जितना क्रेडिट लिया था, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो बेसिकली आउटपुट टैक्स पेएबल होता है उस पे विच एवर इज हायर आपको देना पड़ेगा। सर कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी भी तो घर लेके जा रहा हूं, हाँ बाबा कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी के केस में गवर्नमेंट ने बोला है कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी का जितना क्रेडिट लिया था डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय द रिमेनिंग मंथ जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ITC और द टैक्स पेड, टैक्स पेएबल ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज नथिंग अदर देन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन नंबर 15, मतलब टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू सेक्शन नंबर 15 में बोला हुआ है। नथिंग बाबा, आपको इतना ही ध्यान रखना है इनपुट और कैपिटल गुड्स में आपको पे करना है जो ITC लिया था कैपिटल गुड्स में जो रिड्यूस अमाउंट ऑफ ITC है, और आउटपुट टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। डन सर पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आपका ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो सर अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या प्रोसीजर है, अगर ऑफिसर कैंसिल करता है तो क्या प्रोसीजर है? अगर आपने अप्लाई किया है याद रखिएगा, अगर आपने अप्लाई करना है तो याद रखिए कैंसिलेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, या एक बंदा चला गया तो लीगल हायर अप्लाई करेगा। जैसे ही एक इवेंट होता है फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन का डेथ हो गया तो उसी के 30 दिनों में आपको ऑनलाइन जाना है, REG 16 में एक एप्लीकेशन डालना है कि सर मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। जैसे ही आप REG 16 फिल करोगे तब उधर आप देखोगे कि आपको इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का एंड कैपिटल गुड्स का डिटेल देना पड़ेगा। किस दिन का डिटेल देना पड़ेगा? स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स का, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन चाहते हो, ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉर्ट। समझ लीजिए आपने बोला 1st of April से मेरे को कैंसिलेशन चाहिए, तो 1st of April पे जो आपका स्टॉक का डिटेल्स रहेगा, जो भी आपका कैपिटल गुड्स का डिटेल रहेगा वो डालना है, प्लस कितना लायबिलिटी होता है वो कैलकुलेट करना है, उस लायबिलिटी का पेमेंट करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है और एप्लीकेशन डाल देना है।
अब बेटा ऑफिसर करेगा कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। एक बार कैंसिलेशन प्रोसीडिंग खत्म हो गया उसके बाद ऑफिसर क्या करेगा, कैंसिलेशन ऑर्डर दे देगा, कैंसिलेशन ऑर्डर देगा आफ्टर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन GST REG 19 सर। और उसके बाद आपको बोलेगा आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आपका लायबिलिटी है वो दे दीजिए, प्लस सेक्शन नंबर 29(5) में जो बोला हुआ है ITC availed और आउटपुट टैक्स पेएबल व्हिच एवर इज हायर, यहां मैंने आपको बताया है कि सर इनपुट में पे करना है, इनपुट्स का केस में ITC और आउटपुट टैक्स पेएबल व्हिच एवर इज हायर, कैपिटल गुड्स का केस में आपको पे करना है रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ITC और टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी व्हिच एवर इज हायर। डन सर, पॉइंट क्लियर है, तो वो आपको पे करना है। पेमेंट करने के बाद 3 महीने के अंदर बेसिकली आप पेमेंट कीजिए और एक बाय बाय रिटर्न फाइनल रिटर्न फाइल कर दीजिए। सर क्या प्रोसीजर था, मैंने आपको बोला एक बार इवेंट हो गया उसके 30 दिनों में एप्लीकेशन डालना है इन GST REG 16। जब एप्लीकेशन डालोगे ऑनलाइन बताइए ऑफिसर को, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन मांग रहे हो उस दिन आपका स्टॉक का डिटेल क्या है, मतलब इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स का डिटेल बताइए, प्लस कैपिटल गुड्स का डिटेल बताइए, उस पे कितना टैक्स पे करना है वो बताइए, उसके बाद टैक्स का पेमेंट कीजिए, उसके बाद अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए रिटर्न और सॉरी GST REG 16 फाइल कर दीजिए। ऑफिसर चेकिंग वगैरह करेगा और 30 दिनों में कैंसिलेशन ऑर्डर देगा। कैंसिलेशन ऑर्डर मिल गया, जाइए ऑनलाइन 3 महीने में पेमेंट कीजिए जो भी आपका लायबिलिटीज ड्यू है। अगर यहां ऑलरेडी पे कर दिया था तो कोई बात नहीं, GST REG 16 फाइल करने के समय अगर सारा ड्यूज क्लियर है तो फाइनल रिटर्न के पहले फिर से पे नहीं करना है, अदरवाइज पे करना है और फाइनल रिटर्न फाइल करना है। अब चलिए सर, अगर समझ लीजिए कैंसिलेशन कर रहा है कौन, ऑफिसर कर रहा है, प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, तो बेटा पहले ऑफिसर देगा एक शो कॉज नोटिस। समझ लीजिए आपने रिटर्न वगैरह नहीं लगाया, आपने सर कोई वायलेशन किया है, सर सेक्शन नंबर 29(1) and 29(2) में भी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कैसे करेगा, प्रोसीजर फॉलो करेगा, ऑफिसर आपको देगा एक शो कॉज नोटिस, आपको रिप्लाई करना है विद इन 7 working days। आप अगर एक बार रिप्लाई कर देते हो इन GST REG 18 ऑफिसर देगा शो कॉज नोटिस इन REG 17, आप रिप्लाई करोगे इन REG 18। आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री अगर हुआ तो ऑफिसर प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा और आपको GST REG 20 देते हुए बोलेगा कोई बात नहीं आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल नहीं करेंगे। आपका रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऑफिसर एक डेट डिटरमाइन करेगा और उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन का बेसिकली आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। एक बार मतलब आपका रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ऑफिसर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चलाते हुए कैंसिलेशन ऑर्डर इश्यू कर देगा। एक बार कैंसिलेशन ऑर्डर आपके हाथ में आया जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है, जो भी सेक्शन नंबर 29(5) में बोला हुआ है वो पे करना है, पे करते हुए 3 महीने के अंदर आपको अपना बाय बाय रिटर्न जो फाइनल रिटर्न है वो फाइल कर देना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए बाबा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर ऑफिसर ने दिया आपको एक शो कॉज नोटिस क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 29(2)(b) और 29(2)(c) का वायलेशन किया है, बेसिकली आपने रिटर्न्स वगैरह नहीं फाइल किए थे, तो बेटा आप शो कॉज नोटिस का रिप्लाई मत कीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, ऑनलाइन जाइएगा गुड बॉय की तरह या गुड गर्ल की तरह अपना जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह है जो है वो पे करके रिटर्न फाइल कर देना, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, ऑनलाइन जाइए रिटर्न फर्निश कीजिए, पे ऑल योर ड्यूज टैक्स इंटरेस्ट लेट फी वगैरह पे कर दीजिए, और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब सेक्शन नंबर 29(2)(b) और (c) का केस में आपने रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं किया था। डन सर, और ऑफिसर प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा, बेसिकली कोई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। अब एक बात का ध्यान रखिए, समझ लीजिए आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, आप गए ऑफिसर के पास, सर आप कर रहे हो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग, मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, मेरा तो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है। तो ऑफिसर ने बोला ठीक है, यहां एक रूल नंबर 21A इंसर्ट किया गया कि सर जब आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 केस में किया जाता है। नंबर 1, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए तो जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स हो रहा है बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और फ्रॉम द डेट व्हेन कैंसिलेशन इज सॉर्ट व्हिच एवर इज लेटर, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा। फॉर एन एग्जांपल आपने अप्लाई किया है 15 मार्च को और आपने बोला है 1st of April से मेरे को कैंसिलेशन चाहिए, तो 1st of April से आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन रूल नंबर 21A का सब रूल 2, रूल नंबर 21A का सब रूल 2 बोलता है अगर प्रॉपर ऑफिसर को रीजन
has reason to believe that registration is liable to be cancelled, उस केस में proper officer suspend करेगा registration, कब से? With effect from a date to be determined by him. Officer क्या करेगा? आपको एक show cause notice देगा, आप reply कीजिए, उसके बाद officer decide करेगा किस दिन से cancellation proceeding चलना है, और जिस दिन से cancellation proceeding start होता है, उस दिन से basically आपका registration suspend कर दिया जाता है, ये बोल रहा है, With effect from a date to be determined by him, pending the completion of cancellation proceeding, जब cancellation proceeding चल रहा है, आपका registration suspend कर दिया जाएगा. Rule number 21A, sub rule 2A insertion किया गया है, जहां ये बोला गया है, where officer ने क्या किया, आपका GSTR 3B और GSTR 1 को compare किया, officer ने क्या किया, आपका GSTR 3B और GSTR 2A को compare किया, और उसने देखा, बहुत differences हैं, ये तो कुछ घपला कर रहा है, तो उस केस में भी आपका registration immediately suspend कर दिया जाएगा, देखिए क्या बोलता है, rule number 21A, sub rule 2A बोलता है, where A comparison of return furnished by the registered person under section number 39. इसके बाद इधर एक word आएगा with what sir GSTR 3B का comparison with the details of outward supplies furnished in GSTR 1 या GSTR 3B का comparison with The details of inward supplies derived based on supplier GSTR 1. Basically, आपके GSTR 3B और GSTR 1 को compare किया, या आपके GSTR 3B और GSTR 2A 2B को compare किया, और देखा, बहुत significant differences है, या फिर, और other analysis किया, carried out on the recommendation of council, जो council ने बोला था, वैसा analysis किया, और दिखाया गया, कि सर इसका GSTR 3B में सेल दिखा रहा है 1 लाख का GSTR 1 में सेल दिखा रहा है 1 करोड़ का घपला है सर GSTR 2A में क्रेडिट आ रहा है 2A 2B में बेसिकली क्रेडिट आ रहा है 1 करोड़ का और सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी 1 करोड़ है हर महीना सेम क्रेडिट कैसे आ रहा है तो बेसिकली अगर ऑफिसर को ऐसा डिफरेंसेस ऐसा एनोमलीज गड़बड़ लगा तो सर जिसको देखते हो ऑफिसर को लग रहा है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और रूल्स किया जा रहा है तो वो क्या करेगा जिसको देखते हुए लग रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए तो सर ऑफिसर इमीडिएटली आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा आपको इश्यू कर देगा जीएसटीआर 31 हाईलाइट करेगा डिफरेंसेस और आपको रिप्लाई करना है 30 दिनों में कि क्यों सर मेरा रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए डन सर पॉइंट क्लियर है अब सुनिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन जब ये सस्पेंशन हुआ है तो सर इस दौरान आपको कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करना है तो लोगों ने पूछा सर कोई टैक्सेबल सप्लाई और कोई रिटर्न फाइल नहीं करना मतलब क्या गवर्नमेंट ने बोला जब आपका सस्पेंशन चल रहा है तो इस दौरान कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कीजिएगा मतलब आपको आप सप्लाई कर सकते हो लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते मतलब आप इनवॉइस भी इश्यू कर सकते हो लेकिन इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर को डन सर पॉइंट क्लियर हो गया है तो यही मैंने यहां पे बोला है अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है अंडर सब रूल 1 2 और 2A तो सर आपको कोई रिटर्न फर्निश भी नहीं करना है आपको कोई टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं करना है सर ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना और आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं करना है अपने सप्लाईज के ऊपर जब सस्पेंशन किया गया था डन सर अब मेरे को एक बात बताइए सर अगर समझ लीजिए कुछ दिनों बाद ऑफिसर को लगा कि सर ये तो गलती हो गई इसका रजिस्ट्रेशन तो हमने गलती से सस्पेंड कर दिया नहीं करना चाहिए था ये तो अच्छा बच्चा है तो सर ऑफिसर कर देगा सस्पेंशन को रिवोक बोलेगा कोई बात नहीं हम सस्पेंशन को रिवोक कर रहे हैं अब मैं बोलूंगा सर इस दौरान जो सप्लाई किया उसका तो मैंने टैक्स कलेक्ट नहीं किया कस्टमर से अब क्या करूं ऑफिसर बोलेगा कोई बात नहीं उसके लिए तू एक काम कर जो भी सप्लाईज किया था उसके लिए एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस लोगों को इश्यू कर दे और उनसे टैक्स कलेक्ट करके हमें दे दे सर उन लोगों को क्रेडिट भी तो चाहिए होगा एक काम कर रिवाइज टैक्स इनवॉइस का डिटेल अपना फर्स्ट रिटर्न में डिस्क्लोज कर देना मैं सामने वाले को क्रेडिट भी दे दूंगा डन सर पॉइंट क्लियर है मैंने बोला जब सस्पेंशन चल रहा है कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना कोई रिटर्न फाइल नहीं करना टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना मतलब सप्लाई तो कर सकते हो लेकिन टैक्स चार्ज नहीं कर सकते मतलब सिर्फ इनवॉइस इशू करोगे सर कुछ दिनों बाद ऑफिसर ने बोला गलती हो गई सस्पेंशन रिवोक कर रहे हैं ऑफिसर ने मेरा सस्पेंशन रिवोक
कर दिया, तो बेटा अब जो भी सप्लाई किया था उसके लिए आप इश्यू कर दो एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करते हुए सारा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दो और सारे रिवाइज टैक्स इनवॉइस को अपने पहले पहले रिटर्न जो फर्स्ट रिटर्न होता है उसमें डिस्क्लोज कर दीजिएगा। डन सर, यही लिखा हुआ है, सस्पेंशन रिवोक एंड रजिस्ट्रेशन रिवाइव, ऐसा हो गया है, पुनर्जन्म हो गया है आपका। रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कीजिए और पहले पहले रिटर्न में जो भी सप्लाईज किए थे ड्यूरिंग सस्पेंशन उनका इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। सर मैं काम करता हूं, ऑफिसर ने रूल नंबर 2 सब रूल 2 और 2A में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का सोच लिया है, रजिस्ट्रेशन अभी तो सस्पेंडेड है, जो भी रिफंड वगैरह बनता है ले लेता हूं। गवर्नमेंट बोल रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर रूल 2 और 2A शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जब सस्पेंशन चल रहा है कोई रिफंड वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट यहां आता है, रूल नंबर 21A सब रूल 4A जो बोलता है, समझ लीजिए यहां पे आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग सस्पेंशन चल रहा था, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा था उस समय बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड था, यहां कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर आया सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। आप तो बेटा निकाल फेंके गए हो, आपका तो आपको तो स्कूल से निकाल दिया है, अब कोई सस्पेंशन नहीं है, तो सस्पेंशन रिवोक करते हुए आपका कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया जाएगा। और सर सस्पेंशन को रिवोक माना जाएगा जिस दिन से सस्पेंशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बेटा आपको तो निकाल दिया गया है, आप अब सस्पेंडेड नहीं हो, तो सर जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया सस्पेंशन को रिवोक कर देंगे और रिवोकेशन तब से माना जाएगा जब से सस्पेंशन स्टार्ट हुआ था। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ये बोल रहा है सस्पेंशन अंडर 1-2 सब रूल 1-2-2A शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। कैंसिलेशन प्रोसीडिंग हो गया माना जाएगा सस्पेंशन रिवोक कर रहे हैं, और रिवोकेशन कब से माना जाएगा, जब से सस्पेंशन इफेक्टिव हुआ था। डन सर, और क्या सर ऑफिसर के पास पावर है कि वो सस्पेंशन कभी भी रिवोक कर सकता है? यस बाबा, समझ लीजिए कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा था, बीच में ऑफिसर को लगा यार गलती हो गई, तो ऑफिसर बीच में कभी भी बेसिकली सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, सेक्शन नंबर 29 में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, बेटा रोना स्टार्ट मत कीजिए। सेक्शन नंबर 30 बोलता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रेड विथ रूल नंबर 23, ये बोलता है एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया बाय द प्रॉपर ऑफिसर, भाग बेटा भाग, 30 दिनों में अप्लाई कर दे इन GST REG 21 फॉर रिवोकेशन। सर ये जो कैंसिलेशन ऑर्डर है इसको फाड़ के फेंक दीजिए, तो बेटा आप जाइए, आप एक काम कीजिए 30 दिनों में ऑफिसर के पास जाइए और रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल दीजिए। सर 30 दिनों में नहीं जा पाया मैं, तो कोई बात नहीं, एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर 30 दिनों के बाद और 30 दिनों का एक्सटेंशन दे सकता है। सर और 30 दिनों में भी नहीं गया, मैं था बहुत नालायक, ऑफिसर के पास अब एक काम कीजिए कमिश्नर के पास जाइए और कमिश्नर 30 दिनों का टाइम दे सकता है। डन, तो मैं काम करूंगा, मैं रिवोकेशन एप्लीकेशन डालूंगा। याद रखना बाबा, एक सेक्शन नंबर 30 में एक अमेंडमेंट आया है, वो बोलता है जब आप रिवोकेशन एप्लीकेशन डालते हो तो याद रखना रूल नंबर 10B बोलता है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए तभी आप रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल सकते हो। सब्जेक्ट टू 10B मतलब पहले आधार ऑथेंटिकेशन कराओ उसी के बाद आप रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल सकते हो। डन, ये एक नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब आपने जब एक बार रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल दिया, ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो वो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन ऑर्डर को, फाड़ के फेंक देगा और आपको एक ऑर्डर देगा GST REG 22 में। सर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे को एक शो कॉज नोटिस देगा, मेरे को 7 दिनों में उसको 7 वर्किंग डेज में उसको रिप्लाई करना है विथ क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अगर उसको सही लगा तो सर वो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन और ऑर्डर इशू कर देगा इन GST REG 22। मैंने अगर उसको रिप्लाई किया और उसको रिप्लाई बेकार लगा तो रिजेक्ट कर देगा मेरा रिवोकेशन एप्लीकेशन और ऑर्डर पास कर देगा इन GST REG 05। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, अगर रिवोक करता है कैंसिलेशन तो ऑर्डर देता है GST REG 22 में, अगर रिवोक नहीं कर रहा है तो सर उस केस में जस्ट एक ऑर्डर पास करेगा इन GST REG 05। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था क्योंकि आप नालायक थे, रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहे थे, तो बेटा अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो अप्लाई करने से पहले कि सर मेरा कैंसिलेशन रिवोक कर दीजिए, पहले अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी पे कर देना, उसी के बाद आपको अप्लाई करना है
रिवोकेशन के लिए। एक बात बताता हूं, जब जब ऑफिसर चाहे, ऑफिसर जब कैंसिलेशन कर रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा विद इफेक्ट फ्रॉम ए डेट डिटरमाइंड बाय हिम। मतलब समझ लीजिए, आपका आपने क्या किया, 6 महीने का रिटर्न नहीं लगाया, 6 महीने का अगर रिटर्न नहीं लगाया तो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ऑफिसर ने बोला आज से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। ऑफिसर ने बोला 6 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। डन सर। अब सुनिए, अगर समझ लीजिए आपका एक प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है, जहां पे आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का रिटर्न नहीं लगाया, तो सर ऑफिसर देगा एक शोकॉज नोटिस, आपको करना है रिप्लाई, उसके बाद आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा। कैंसिलेशन ऑर्डर आया बेटा, भाग भाग भाग, 30 दिनों में भाग और अप्लाई कर दे रिवोकेशन एप्लीकेशन के साथ। जब रिवोकेशन एप्लीकेशन डालोगे, उससे पहले मैंने आपको बोला है आपको सारे रिटर्न लगा देने हैं जो ड्यू थे टिल द कैंसिलेशन ऑर्डर, मतलब अप्रैल से लेके जब ये कैंसिलेशन ऑर्डर आया, इस बीच में जितने रिटर्न ड्यू थे सारे रिटर्न आपको लगा देने हैं। मतलब अक्टूबर मंथ का रिटर्न भी तो नवंबर में ड्यू हो गया था, उसको भी लगाइए, टैक्स वगैरह, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी फाइल कीजिए, पे कीजिए, उसके बाद रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाइए। एक बार आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट 30 दिनों में रिवोकेशन ऑर्डर आ जाएगा। एक बार रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, उसके नेक्स्ट 30 दिनों में कैंसिलेशन ऑर्डर से रिवोकेशन ऑर्डर के बीच में जितने रिटर्न पेंडिंग थे फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर टू द रिवोकेशन ऑर्डर फाइल कर दीजिएगा, जैसे ही रिवोकेशन ऑर्डर आ जाता है उसके 30 दिनों में। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, आपने 6 महीने का रिटर्न नहीं लगाया था, ऑफिसर ने शोकॉज नोटिस दिया, कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया, और सर क्या किया, कैंसिलेशन को इफेक्टिव कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। आप ऑफिसर को जाके बोले सर आपने बोला है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोकेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो रिटर्न फाइल करना है, मेरे को एक बात बताइए, पहले अप्रैल से आपने मुझे नालायक बना दिया, मेरा तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो पहले अप्रैल से लेके अभी तक का रिटर्न कैसे फाइल करो। तो ऑफिसर बोलता है कोई बात नहीं, तू एक काम कर, अगर मैंने रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन किया था तो तू पहले रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल, कोई रिटर्न वगैरह फाइल मत कर, मैं तेरे को 30 दिनों में रिवोकेशन ऑर्डर दूंगा, जैसे ही रिवोकेशन ऑर्डर आ गया उसके नेक्स्ट 30 दिनों में जितने रिटर्न अप्रैल से लेके समझ लीजिए अभी रिवोकेशन ऑर्डर तक आपके पेंडिंग थे, सारे एक साथ फाइल कर देना, फाइल द रिटर्न फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर इन द नेक्स्ट 30 डेज आफ्टर रिवोकेशन ऑर्डर। यहां हमारा सेक्शन नंबर 30 का रिविजन कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट है सर, आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन नंबर 22 जो बोलता था, सेक्शन नंबर 21 रेड विद सेक्शन नंबर 23 जो एक नोटिफिकेशन था जिसमें बोलता था कि सर, जिसमें क्या बोलते थे कि सर 40 लाख का लिमिट देंगे एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स को, सर 40 लाख का लिमिट पान मसाला आइसक्रीम एंड टोबैको सप्लायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, पान मसाला आइसक्रीम एंड टोबैको सप्लायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब जो ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील बनाते हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स बनाते हैं और अर्थन एंड रूफिंग टाइल बनाते हैं, उनको भी 40 लाख का हायर लिमिट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा सर सेक्शन नंबर 95 जो था अग्रीगेटर, उसमें एक रेस्टोरेंट सर्विस ऐड हो गया है, तो इधर मैंने रेस्टोरेंट सर्विस का एक पॉइंट डाल दिया है। ठीक है सर, रूल नंबर 10B इंट्रोड्यूस हो गया है। रूल नंबर 10B क्या बोलता है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है लेकिन अब आप रिवोकेशन एप्लीकेशन या रिफंड एप्लीकेशन डालना चाहते हो, तो सर एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन रिवोकेशन एप्लीकेशन या रिफंड एप्लीकेशन डालने से पहले आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 30 में रेड विथ रूल नंबर 23 जब रिवोकेशन एप्लीकेशन डाल रहे हो तो 10B अप्लाई होगा। बेसिकली 10B बोलता है कि सर पहले आधार ऑथेंटिकेशन कराना, उसके बाद आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन आपको डालना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 22 पीपल हुआ लायबल, 23 पीपल हुआ नॉट लायबल, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 टीम रजिस्ट्रेशन, 27 सीटीपी एनआरटीपी, 28 अमेंडमेंट, 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। चलिए बाबा, आज का रिविजन यही क्लोज करेंगे। बाय गाइस।